तो अभी मैं जा रही हूँ कोलकाता एयरपोर्ट, तो मैंने सोचा कि यहाँ से ये कोलकाता एयरपोर्ट कैसा है, फ्लाइट बोर्डिंग एंड लाउंज, तो मैं आप लोगों से हर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। दो मैं बहुत बार जा चुकी हूँ यहाँ से, बट मैंने कभी आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया, तो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू कि हाँ, कोलकाता एयरपोर्ट टू बैंगलोर जाने में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ का लाउंज कैसा है और कहाँ है डोमेस्टिक वाले, और वट एवर आई विल सी आई विल टेल यू ऑल कि लाउंज में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बैंगलोर का ट्रैफिक। बैंगलोर इज़ फेमस फॉर टू थिंग्स, वन इज़ ट्रैफिक एंड अनदर इज़ रेन। तो बैंगलोर पहुँचने के बाद हम बस बोट कर मैं बस बोट करूँगी या टैक्सी, वो हम वहाँ जाके देखेंगे, बट आई विल शेयर ऑल माई एक्सपीरियंस विद यू। सीम्स मैंने कैब ड्राइवर से ज़्यादा ही बात कर लिया, उनका एक्सपीरियंस पूछ रही थी मैं कि उन लोग ड्राइविंग में क्या क्या है, क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं, तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू नो। तो या वेब चेक इन करा लिया, सीट सेलेक्ट कर लिया, नाउ आई एम एट बैकड्रॉप प्लेस, बैकड्रॉप करना, तो बैकड्रॉप करके फिर लाउंज जाऊँगी। तो सी देयर, वैसे तो यहाँ बैकड्रॉप के लिए काफ़ी लाइन है, तो लाइन में खड़ी हूँ अभी मैं। चलिए, मैं लाइन अवॉइड करना चाह रही थी, तो मैं उस तरफ गई थी दूसरे तरफ वहाँ पे, बट उन्होंने बोला कि यहाँ नहीं बैकड्रॉप होगा, गो टू दैट साइड, डोमेस्टिक लिए शायद इधर है, तो इसीलिए फिर किस साइड आ गई हूँ, बट लाइन काफ़ी लंबी है, काफ़ी लंबी लाइन है। नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड द लाउंज, और काफ़ी टाइम है मेरे प्लेन बोर्ड करने में, मेरा प्लेन बोर्डिंग है 11:20 में, एंड आई विल बी हेडिंग टू लाउंज। आराम से लाउंज में बैठेंगे और कुछ खाएंगे, भूख भी लगी है, वैसे मैंने खाया था घर में, बट फिर भी लेट्स हैव समथिंग। तो ये जो इट्स रिटन फॉर टर्मिनल ना, तो दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग टू लाउंज, ऊपर की तरफ मार्क किया हुआ है लाउंज, सो दैट साइड इट इज, एंड लेट्स गो। कुछ भी हो, एयरपोर्ट आओ और लाउंज में खाने का मज़ा अलग होता है, एंड मैं ये कभी मिस नहीं करती, क्योंकि मैं घर से खा के नहीं आऊँगी, दैट इज़ फाइन फॉर मी, बट नॉट हैविंग समथिंग इन लाउंज इज़ नॉट फाइन फॉर मी, क्योंकि अब क्यों नहीं पता मुझे, बट दिस इज़ अ हैबिट फ्रॉम लास्ट मे बी 8 years, सो लेट्स गो अंदर घुसने। डोसा या ऑमलेट, ऑमलेट बना रहे हो आप? हो गया, ये मेरा है क्या? एक मसाला ऑमलेट, एक मसाला ऑमलेट।
सो आई एम रेडी विथ माई फूड और मैं लेके आई हूँ उपमा, ऑमलेट, वाटरमेलन एंड पपाया एंड चटनी. तो मैं लेके आई हूँ मेथी पराठा, फ्रूट केक एंड इडली विथ सांभर एंड चटनी. तो फ्रेंड्स, मैं एयरपोर्ट लाउंज में बैठी हुई हूँ और जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे मैंने क्या क्या लिया, क्या खाया, तो रिकॉर्डिंग का बड़ा दिक्कत है कैसे रिकॉर्ड करूँ. और खाने को तो बहुत कुछ है, बट एनर्जी नहीं होती खाने की. बट फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ टेस्ट कर रही हूँ. सॉरी, एनर्जी नहीं बट भूख नहीं होती खाने की. एनर्जी है, एनर्जी पूरी रहेगी. सच तो ना, मुझे केक बहुत पसंद है बट खाती नहीं. मुझे लगता है मुझे शूट करना चाहिए था अपने कैमरा में, बट मैंने मोबाइल कैमरा यूज़ करके गलती की शायद. लेकिन एनी हाउ, उतना लगेज के साथ दो, अभी मेरे पास सिर्फ एक बैग है. बट फिर भी डिफ़िकल्ट हो जाता है ज़्यादा कैमराज कैरी करना कभी कभी. और इट सीम्स मैं बहुत स्लो बात कर रही हूँ तो आपको वॉल्यूम इंक्रीज करके सुनना पड़ेगा मेरा बात. अच्छा है खाना, आई लाइक इट. बट अगर लंच आइटम होता ना ज़्यादा अच्छा लगता, बट इट्स ओके क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, अभी ब्रेकफास्ट ही एक्सपेक्टेड है. सो मैं निकल गई हूँ. हर जगह मैं वीडियो बनाती रहती हूँ और लोग मेरे को देख के सोचते हैं क्या कर रही है. सो अब मैं जा रही हूँ फ्लाइट बोर्ड करने. तो फिर से मिलेंगे आपसे आफ्टर ऑलमोस्ट 2 hours, 2.5 hours. सी यू, बाय बाय. अब मैं यहाँ से मतलब बैंगलोर एयरपोर्ट पहुँचना और बैंगलोर पहुँचने में बहुत डिफरेंस है. तो अभी मैं यहाँ से ली थी बस, फिर क्योंकि ओला कर तो ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर फ्रॉम हियर, तो बेटर है बस लेना. तो चलिए बस दिखाते हैं. और बस में भी ऑलमोस्ट 1.5 hours से 2 hours तो लगेंगे. सो चलो देखते हैं क्या स्टेट है. मैं
मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है यहाँ पर। और बस के लिए मुझे जाना है बस स्टॉप के पास, जहाँ ओला उबर स्टॉप है वहीं पे। सो लेट्स गो। सो दिस इज़ द एरिया, यहाँ से निकल के मतलब पहले जब मैं आती थी तो बस इधर मिला करती थी, तो अभी भी वही मिलती होगी, नहीं मिलती होगी तो पूछ लेंगे। मैंने अपना लगेज सामने की तरफ रख रखा है, अपना पर्स सामने की तरफ टांग रखा है, मुझे पता नहीं मैंने पॉकेट में क्या रखा और क्या गायब हो गया, मुझे ये भी नहीं पता। तो अब इधर है दिखा रहा ओला जोन और उधर दिखा रहा पार्किंग ताज बैंगलोर। सो ये ट्रैफिक वाली सिक्योरिटी बंदी चिल्ला रही फालतू। देखिए बस का टाइमिंग क्या है, उसके बाद पता चलेगा। बीडीए कॉम्प्लेक्स 7 इला 8। ओके तो इधर में बस खड़ी है, सो आई एम गोइंग टुवर्ड इट। मैजेस्टिक जा रही है ये, उसके पीछे वाली। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सो मैंने इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाली बस ली है वीडियो उतरने के लिए, और अब मैं टिकट लूँगी।